नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर एक बार फिर से भारी चेतावनी जारी कर दी है, जिनमें मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई और राज्य भी शामिल है जिनमें बारिश होने की पूरी संभावनाएं जताई गई है और जिनके कारण देश भर में एक बार फिर से आंधी तूफान की भारी चेतावनी भी जारी कर दी गई है और लोगों को भी अलग से भारी अलर्ट का सावधान रहने को कह दिया है। तो एक एक करके सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कहां पर क्या कुछ होने वाला है, कहां पर बारिश होने वाली है और कहां पर आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने भारी अलर्ट जारी किया है। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा और यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गांव का नाम जहां कहीं पर भी आप रहते हैं कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो फटाफट से जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राजस्थान, दिल्ली के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ ही कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, शेष पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, शेष पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप में भी आज और कल हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है, मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें कि देश भर का मौसम सिस्टम क्या कहता है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। वहीं एक ट्रफ रेखा भी है जो उत्तर पश्चिमी और उसे सटे पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान होते हुए पश्चिमी राजस्थान के मध्य भागों तक फैल चुकी है। वहीं पश्चिम विक्षोभ को मध्य सौ मंडल में एक ट्रफ रेखा के रूप में भी देखा जा सकता है जो औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 74 डिग्री पूर्व से 32 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात कर ली जाए कि बीते 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम कैसा रहा, यानी कि कहां पर बारिश हुई और कहां पर आंधी तूफान देखने को मिला है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, पूरी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है बीते 24 घंटों के दौरान, जबकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई है बीते 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगा, पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, केरल और कोंकण और गोवा में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की जा चुकी है बीते 24 घंटों के दौरान। तो दोस्तों, ये था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसे और आपके क्षेत्र से है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर देवे और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।